नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरों को देते हैं विस्तार। जिस गांव में शिवराज ने निकाली थी जल यात्रा, वहां के ग्रामीण तरस रहे हैं पानी की एक एक बूंद के लिए। ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में मतदान और अन्य चुनाव में मतदान करने का किया बहिष्कार। गंज बासोदा 2007 में प्रदेश के पूर्व मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बासोदा तहसील मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित गवाकर गांव में जल अभिषेक यात्रा निकाली थी। लेकिन आज इस गांव के ये हालत है कि ग्रामीण पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान है। ग्राम में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछी है, टंकी बनी है, लेकिन पानी नहीं। गांव में पानी नहीं होने के कारण कई ग्रामीणों ने गांव छोड़कर शहर जाने लगे। गुस्साए ग्रामीणों ने साफ कह दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को मतदान नहीं करेंगे और पंचायती चुनाव में भी चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। जब तक कि हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं की जाती, ग्रामीणों के अनुसार आने वाले दिनों में गांव के बाहर एक बोर्ड लगा देंगे जिसमें लिखा रहेगा कि तब तक गांव में प्रवेश नहीं करना जब तक पानी की व्यवस्था ना कर दो। गंज बासोदा से एलएन चौबे की यह रिपोर्ट। पानी की समस्या है साहब, ना तो हम सरपंची वोट डालेंगे सरपंची में, ना विधायक का डालेंगे, ना जो लोकसभा के डालेंगे। हमारी समझ झूठी वादे कर जाते हैं कि गांव में पानी होगा, ऐसा विकास होगा, कुछ नहीं होता है साहब। पानी ना मिले तो हम वोट नहीं डाल रहे, चाहे सरपंच हो चाहे। और जो हमारे गवाकर में बहुत ही पानी की बहुत ही वर्षों से किल्लत चली आ रही है। 2002 में इस टंकी का निर्माण हुआ था, जो 2007 में जलाभिषेक अभियान शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया था। अभी तक 2007 से लेकर इस टंकी में अभी तक कोई पर्याप्त गाँव के लिए पानी वितरित नहीं किया जा सका। और इसके अलावा हमारे ग्रामवासी एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, गर्मियों में बहुत पानी की किल्लत रहती है। और आधा से दर्जन लोग बाग बासुदा किराए से कमरा लेकर रहते हैं और पानी की बहुत किल्लत है। मैं प्रशासन को सचेत करना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र गमाखर में पानी की समस्या का निराकरण करें, नहीं तो सब लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कोई भी जनप्रतिनिधि हो।